एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आत्सुशी ने अब ऑफिशियली एजेंसी को ज्वाइन कर लिया है, तो तानिज़ाकी अपने आप को आत्सुशी के सामने इंट्रोड्यूस करने लगता है और तो और वो अपने प्रीवियस बिहेवियर के लिए माफी भी मांगने लगता है, जिसके लिए आत्सुशी उसे आसानी से माफ कर देता है। इसके बाद जब आत्सुशी उससे नाओमी के बारे में पूछता है तो तानिज़ाकी बताता है कि नाओमी मेरी सिस्टर है, मगर आत्सुशी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है क्योंकि इनकी हरकतें तो भाई बहन जैसी नहीं लग रही। इसके बाद डोपो इन दोनों को अच्छे से डांट लगाने लगता है कि ये एजेंसी है, यहाँ पर ये सब करना बंद करो। और फिर यही हाल दज़ाई का भी होता है क्योंकि वो भी इस समय बारटेंडर से फ्लर्ट कर रहा था। दज़ाई बारटेंडर के साथ डबल सुसाइड मिशन पर है। इसके बाद दज़ाई आत्सुशी से बोलता है कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की ट्रेनिंग के तौर पर तुम्हें गैस करना होगा कि हमारा प्रीवियस प्रोफेशन क्या था। तो आत्सुशी बड़े आसानी से नाओमी और तानिज़ाकी का प्रीवियस प्रोफेशन गैस कर लेता है, पर उसका दज़ाई और डोपो के बारे में गैस फेल हो जाता है। मगर काफी कोशिश के बाद आत्सुशी अंदाजा लगा लेता है कि डोपो पहले एक टीचर हुआ करता था। तो दज़ाई क्लियर करता है कि डोपो सान पहले एक मैथ्स के टीचर हुआ करते थे। तो डोपो भी बोलता है कि दज़ाई पहले क्या करता था, इसके बारे में किसी को आज तक पता नहीं चला है। दज़ाई का प्रीवियस प्रोफेशन एजेंसी की एक बिगेस्ट मिस्ट्री है क्योंकि किसी को भी उसके पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दज़ाई आत्सुशी से कहता है कि लड़के, अगर तुमने मेरा पास्ट प्रोफेशन गैस कर लिया तो मैं तुम्हें 700 ग्रैंड एज अ रिवॉर्ड दे दूंगा। तो ये सुनकर आत्सुशी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो पूरे जोर शोर के साथ दज़ाई का प्रीवियस प्रोफेशन गैस करने लगता है, मगर सब कुछ बेकार था, वो कुछ भी गैस नहीं कर पाता। मगर तभी डोपो को किसी का कॉल आता है तो वो सभी को बताता है कि हमारे पास एक न्यू असाइनमेंट है और हमारी क्लाइंट एजेंसी तक पहुंच चुकी है। तो दज़ाई आत्सुशी से कहता है कि हम इस गैसिंग गेम को बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए हमें काम पर ध्यान देना होगा। इसके बाद ये लोग एजेंसी पहुंच जाते हैं। तो तानिज़ाकी लेडी से पूछता है कि आप किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती हैं, मगर तभी दज़ाई इस लेडी से फ्लर्ट करने लगता है। तो ये देखकर डोपो की पूरी तरह से सनक जाती है, तो वो दज़ाई को दूसरे कमरे में ले जाकर ढंग से कूट देता है। वहीं लेडी तानिज़ाकी को बताती है कि हमारे ऑफिस बिल्डिंग के बैक एले में कुछ ठग्स काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, पॉसिबली वो लोग स्मगलर्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन ठग्स को इन्वेस्टिगेट करो। तो डोपो आत्सुशी को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस ऑपरेशन को तुम हैंडल करने वाले हो। तो ये सुनते ही आत्सुशी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि आत्सुशी तो अभी एक रुकी है जिसे कोई भी काम करना नहीं आता, जिस बात का अंदाजा डोपो को भी अच्छे से था। तो वो आत्सुशी से कहता है कि घबराओ मत, तुम्हारे साथ तानिज़ाकी और नाओमी भी जाएंगे जो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, तो मैं बस उनके साथ रहकर उनका काम सीखना होगा। तो ये सब सुनकर आत्सुशी थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगता है, मगर जाने से पहले डोपो आत्सुशी को स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि कभी भी तुम्हारा र्युनोस्के नाम के आदमी से सामना हो तो तुरंत वहाँ से भाग जाना, वरना तुम मारे भी जा सकते हो क्योंकि र्युनोस्के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ब्रूटल भी, खासकर वो हमारी एजेंसी को पसंद नहीं करता। तो ये सब सुनकर आत्सुशी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे भी र्युनोस्के के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि र्युनोस्के एक बहुत ही पावरफुल आदमी है जो कि पोर्ट माफिया के लिए काम करता है और तो और उसके पास सुपर पावर्स भी हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन में र्युनोस्के पहुंच जाता है जो कि यहाँ पर एक बैग रिटर्न करने के बहाने से आया है, मगर जल्दी ही पुलिस वाले उसे पहचान लेते हैं कि ये आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, मगर पुलिस वाले कुछ भी कर पाते उससे पहले ही र्युनोस्के इन सभी लोगों को खत्म कर देता है। और जो बैग वो लाया था उसमें एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें इस जगह की ऐसी तैसी हो जाती है। वहीं आत्सुशी एंड गैंग उस फीमेल क्लाइंट की बताई जगह पर पहुंच जाते हैं, मगर तानिज़ाकी को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ तो एक डेड एंड था। और अब तानिज़ाकी को बैड वाली फीलिंग आने लगती है कि कुछ बुरा होने वाला है, और वो सही था क्योंकि उस फीमेल क्लाइंट का नाम हिगुची है जो कि पोर्ट माफिया के लिए काम करती है। और फिर हिगुची र्युनोस्के को कॉल करके बताती है कि टारगेट मेरे सामने है, और इस सब के बाद हिगुची आत्सुशी एंड गैंग पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, मगर नाओमी तानिज़ाकी और आत्सुशी को प्रोटेक्ट कर लेती है। मगर ये सब देखकर तानिज़ाकी को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ से गायब हो जाता है और फिर वो डायरेक्टली हिगुची के पीछे आ जाता है, जहाँ वो हिगुची को गला घोंटकर मारने लगता है। मगर तभी यहाँ पर र्युनोस्के आ जाता है जो अपनी पावर्स का यूज करके तानिज़ाकी की बैंड बजा देता है और फिर र्युनोस्के हिगुची की भी पिटाई लगाने लगता है क्योंकि उसने टारगेट पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी जिससे वियर टाइगर मारा भी जा सकता था और उन्हें वियर टाइगर को जिंदा पकड़ने के ऑर्डर्स मिले हैं। इसी वजह से र्युनोस्के हिगुची पे भड़का हुआ है। वैसे र्युनोस्के को अपने सामने देखकर आत्सुशी की हवा टाइट हो जाती है, मगर वो यहाँ से भाग पाता उससे पहले ही र्युनोस्के आत्सुशी पे अटैक कर देता है जिससे बेचारे आत्सुशी की एक टांग कट जाती है। तो गुस्से में आकर आत्सुशी अपने टाइगर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो र्युनोस्के पर हमला करने लगता है। वैसे अब तक आत्सुशी की लेग भी रीजनरेट हो चुकी थी और अब उस पर हिगुची की गोलियों का असर भी नहीं हो रहा था क्योंकि इस फॉर्म में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी यहाँ पर दज़ाई आ जाता है जो अपनी पावर्स को यूज करके सभी की पावर्स को नलीफाई कर देता है। तो उसे यहाँ देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। तो दज़ाई बताता है कि मैंने एजेंसी में हिगुची पर एक बग प्लांट कर दिया था जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसके बाद र्युनोस्के यहाँ से रिट्रीट करने लगता है ये कहते हुए, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक इस टाइगर को प्रोटेक्ट कर पाओगे क्योंकि ब्लैक मार्केट ने वियर टाइगर पे एक बहुत बड़ी बाउंटी रखी है जो कि पूरे 7 बिलियन की है, जिसकी वजह से वियर टाइगर सभी का टारगेट बन चुका है। मगर उसकी बातों पर दज़ाई ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो हिगुची दज़ाई को उसकी एजेंसी डिस्ट्रॉय करने की धमकी देती है। तो दज़ाई उसकी भी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इनकी बातों से हमें अंदाजा हो जाता है कि दज़ाई पहले एक क्रिमिनल हुआ करता था जो कि पोर्ट माफिया के लिए काम किया करता था। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।